see a division of work. A for a authority and responsibility, D for a discipline, U for a हमारा unity of command, next E for a हमारा unity of direction, next हमारे पास आता है S से आता है subordination of individual interest to general interest, next आता हमारे पास R से आता है remuneration to employees, C से आता हमारे पास centralization and decentralization, next C for आता है scalar chain. बच्चों ध्यान रखना है scalar chain यहाँ पे chain से word बनाए गए क्योंकि SRCC आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत इजी तरीका है याद करने का. O फॉर है हमारे पास ऑर्डर, I फॉर है इनिशिएटिव, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है S फॉर मतलब आता है स्टेबिलिटी, नेक्स्ट E फॉर आता है हमारा इक्विटी और लास्ट E फॉर आता है स्पीड कॉप्स. दोस्तों ये है आपको 14 प्रिंसिपल याद करने का तरीका. एक बार और बता देता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे. DAD यानी कि 3 A प्रिंसिपल होगा, U2 2 A हो गया और उसके बाद 4A हो गया, SRCC और OIC 5 है. टोटल कुल मिला के 14 प्रिंसिपल है और जो कि आप जानते ही हो SRCC कॉलेज का नाम है. तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो फ्योल का है, जो काफ़ी आपको मदद मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए आप नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये सभी जानते हैं, 5 तरीके के होते हैं और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये तो सब ने नाम भी सुना है. लेकिन ये क्या करना है, हमें सीक्वेंस में लगाना है क्योंकि ये सभी क्या है, एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस चलता है. सबसे पहले हमारा प्लानिंग आता है, इसलिए एक ट्रिक बनाया गया जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हो. POSDC प्लानिंग, ठीक है. O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग और C फॉर कंट्रोलिंग. इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो. देखिए आप अगर आप बिजनेस को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, उसको ट्रिक बना के याद करते हैं तो बहुत ईजी है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो. आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए. अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए. आप किसी और चीज़ से रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हैं तो आप लाइक कमेंट जरूर करना, जरूर कीजिए. Thank you.